आज बलोच औरत बड़े अच्छे मकाम पे ठहरी है। अगर आप 70 इयर्स बैक लाएं, बड़ा स्ट्रगल किया, बलोच वो बलोचिस्तान वो वाहिद प्रोविंस है जो हमेशा औरत को इज़्ज़त देता है। खून माफ़ हो जाते हैं लोगों के जब एक औरत किसी के घर चली जाती। रिगार्डिंग एजुकेशन पर्सपेक्टिव, आज हमारी बेटियाँ डॉक्टर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं। हमारी जो ज़किया जमाली है, पहली नेवी की खातून है, तो मेरा ख़ुद फ्रीडम फाइटर के घराने से ताल्लुक़ है, तो हम चौथी नस्ल हैं। आज मेरे लिए तो एजाज़ की बात है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं और आज हम इस फोरम पे ठहरे हुए हैं, तो इससे बढ़कर प्रूफ क्या है। बलोचिस्तान जो है ना, उसमें हमारे पास जोग्राफिकल जो लोकेशन है उसमें पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है, और अभी तो मतलब कि बेसिकली आजकल आफत ज़्यादा करार दिया गया क्योंकि फ्लड्स हैं। हम 30 साल पीछे चले गए, लोग स्कैटर्ड हो गए। हमें तालीम को बेहतर करना है, हमें हेल्थ सेक्टर को बेहतर करना है, हमने एजुकेशन को बेटर करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अगर आपने नेशन को डेवलप करना है, एक खातून को डेवलप करें, और ख़ातून ही आगे वो मुल्क का रोशन मुस्तकबिल होती है, और बलूचिस्तान तो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है, तो उसकी औरतें डेवलप होंगी तो पाकिस्तान आप देखें किधर पहुँचता है।